हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और आज के वीडियो में हम बात करते हैं अनअकैडमी की कि अनअकैडमी पर 3 मिनट्स का डेमो लेक्चर किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, वहां एडुकेटर बनना चाहते हैं या वहां आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ये पहला स्टेप होता है कि 3 मिनट्स का डेमो लेक्चर आपको वहाँ अपलोड करना होता है। अब बात आती है कि 3 मिनट्स का जो डेमो लेक्चर आप अपलोड करेंगे वो कितना इफेक्टिव है कि वो एक ही बार में आपका सेलेक्ट हो जाए। अक्सर देखा गया है कि जितने भी लोग डेमो लेक्चर अपना अपलोड करते हैं वो एक बार में अप्रूव नहीं होता। रीज़न उसके पीछे क्या होता है कि उनके डेमो लेक्चर में कोई ना कोई कमी रह जाती है, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो कि अनअकैडमी के लोगों को वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता है, इसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने डेमो लेक्चर को किस तरीके से इफ़िशेंटली और इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माइंड में सेट कर लेना है कि आप जो भी वीडियो बनाएंगे अपना वो 3 मिनट्स का होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज़ कि जब आप डेमो लेक्चर अपना प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बेसिकली माइंड में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसे टीच कर रहे हैं, आपके लर्नर्स कौन हैं। ठीक है, आपके लर्नर्स कौन हैं उसके बेस पर आप अपना डेमो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या फिर आप जॉब रिलेटेड पर्सन्स को पढ़ा रहे हैं या आप उन्हें पढ़ा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेमो लेक्चर उन्हीं के बेस पर अपना रेडी करना है। अब आप डेमो लेक्चर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेमो लेक्चर तो किसी और चीज़ पर बना दिया और पढ़ाना आप कुछ और चाहते हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अपना डेमो लेक्चर प्रिपेयर करना है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ानी है, फिजिक्स पढ़ानी है, केमिस्ट्री का डेमो लेक्चर बनाना है या आप इस पर ट्यूटर बनना चाहते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, मीन्स आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को शो कर सकते हैं, अपने आप को डिलीवर कर सकते हैं। आपको उसी लेक्चर को अच्छे से बनाना है, उसी सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। अब ये देखना है कि डेमो लेक्चर आपको बनाना कैसे है। सपोज़ कीजिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में ये नहीं कि आपने 3-4 न्यूमेरिकल्स लिए, समझा दिए और अपना डेमो लेक्चर प्रिपेयर कर दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक स्लाइड पे समझाना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन बतानी होगी। उसके बाद आपको फॉर्मूला लेकर एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करना होगा ताकि बच्चों को वो समझ में आए, उनके माइंड में बैठ जाए कि हाँ ये कंसेप्ट्स हैं इसके, तभी बच्चों को समझ में आएगा और आपको डेमो लेक्चर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। सपोज़ कीजिए अगर आप हिंदी का डेमो लेक्चर बनाना चाहते हैं तो हिंदी में आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे आपने ले लिया संधि क्या होती है, तो आपने पहले बता दिया संधि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपने बता दी, फिर संधि कितने टाइप्स की आती है आपने ये बता दिया, फिर उसमें एक एग्जाम्पल एक संधि कोई भी टाइप की लेकर उसके एग्जाम्पल सहित उसको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, आप कितना अच्छा बना रहे हैं। ये माइंड में मत रखना कि इतना सारा मैं कवर कर लूँ जल्दी से 3 मिनट में, नहीं, आपको 3 मिनट में सिर्फ उतना ही कवर करना है जितना आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं और जितना सामने वाले को समझ में आए। ठीक है, अब डेमो लेक्चर बनाने के लिए या तो आप पेपर पर बना सकते हैं, पेपर कैसा होना चाहिए, A4 साइज पेपर, ठीक है, या फिर आप PPT पर भी बना सकते हैं। जब आप PPT पर बना रहे हैं तो PPT वाइज के एक PPT पर आपने डेफिनेशन ले ली, दूसरी PPT पर आपने उसका कंसेप्ट समझा दिया या उसके टाइप समझा दिए, और थर्ड PPT पर आपने उसको विद एग्जाम्पल समझा दिया। अब A4 साइज पेपर पर अगर आप समझाना चाहते हैं तो A4 साइज का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए, ये है A4 साइज पेपर। तो आपने A4 साइज पेपर पर किस तरीके से बनाना है कि आपने इतने पोर्शन में बता दिया उसकी डेफिनेशन क्या है, देन सेकंड पोर्शन में आपने उसके टाइप्स बता दिए, और थर्ड पोर्शन में आपने एग्जाम्पल से समझा दिया। अब जब भी आप इसकी फोटो क्लिक करेंगे तो आपको इसकी फोटो इस तरीके से क्लिक करनी है कि आप इसके पार्ट्स में इसको फोटो क्लिक करें कि इतने पार्ट की एक बार कर ली, फिर इतने पार्ट की कर ली और फिर इतने पोर्शन की कर ली। या आप किस चीज से करेंगे, कैम स्कैनर से। कैम स्कैनर एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पर देखना, फ्री है, आप इसे डाउनलोड कीजिए और कैम स्कैनर से आप इसे स्कैन कीजिए। अब जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं, जो भी फोटो आप लेंगे
उस फोटो का रेशियो होना चाहिए 16:9 का। इस रेशियो में ही आपको फोटो खींचने हैं और इस रेशियो में ही आपको अपनी पीपीटी को बनाना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी पीपीटी बनानी है या फिर आप A4 साइज पर अपना डेमो लेक्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं। A4 साइज पर बनाने के लिए आप एक दो कलर का यूज कर सकते हैं पेन के, कि ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर लिया, मेन हेडिंग के लिए आपने कोई कलर्ड पेन यूज कर लिया, इस तरीके से आप यूज करके उसे इफेक्टिव बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको वो समझाना है। जब आपका डेमो लेक्चर बन जाएगा इसको आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड होने के बाद फिर कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, 2-3 दिन में आपके पास अप्रूवल का मैसेज या मेल आ जाएगा कि आपका डेमो लेक्चर अप्रूव्ड हो गया है और आपको जिस तरीके से बताया गया है इस तरीके से आप बनाएंगे तो 100% आपका फर्स्ट टाइम में ही डेमो लेक्चर अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद फिर कुछ फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं, KYC वगैरह वगैरह करना होता है। इसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप अच्छे से अपना प्रिपेयर कीजिए, डेमो लेक्चर बनाइए, उसे अपलोड कीजिए और अनअकैडमी पर एडुकेटर बनिए। तब तक के लिए बाय बाय।